हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है बाय फाइव स्टडी स्टूडियोज पे, विच इज अ पार्ट ऑफ एन अकेडमी। तो वेरी गुड मॉर्निंग जितने लोग हम लोग साथ यहाँ पे कनेक्ट हो चुके हैं। अब जल्दी से लिंक को कॉपी करो और इसको शेयर करना शुरू कर दो। बड़े टाइम बाद हम ये चीज़ें बोल रहे हैं, और जैसे कि आप लोगों ने बोला था कि मैम जो क्लासेज हैं वो स्टूडियो से ही स्टार्ट कराइएगा, तो आज जो क्लास है वो आपकी स्टूडियो से ही होने जा रही है। सेशन में क्या रहेगा इन सब चीज़ों के बारे में आपको बताते हैं, लेकिन सबसे पहला जो काम है जल्दी से लिंक को शेयर करना शुरू कर दीजिए। और संडे का दिन है, पता है कि नींद नहीं खुल रही होगी, लेकिन फिर भी नींद ख़राब करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। ओके, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हाँ जी, मैम आ चुकी हैं। अब मतलब गुड मॉर्निंग भी तुम लोग कोरोना वायरस के स्टाइल में ही करोगे, मतलब मुंह वो बंद करके सीधे करना है तुम लोगों को। अच्छा, अब देखो आज के सेशन में क्या रहने वाला है, और उसके अलावा क्या कोई और भी क्लास ऐसा है जो कि मैंने शेड्यूल किया हुआ है आज की डेट में। तो पहले ये जान लो, सुबह का 6 बजे का जो क्लास होता है वो संडे को नहीं होता, ठीक है? ये कब से कब तक चल रहा है? मंडे टू सैटरडे। इसके बाद में सुबह 7 बजे का जो क्लास है ये आपको संडे से लेके नेक्स्ट संडे, मतलब कोई भी दिन ऐसा नहीं है जिस दिन ये क्लासेस आपके लिए ऑर्गेनाइज ना करी जाती हूँ। बट आज स्पेशली फॉर टुडे 10 बजे आपको एक इवेंट नज़र आ रहा होगा जिसमें हम लोग कोरोना वायरस के ऊपर कुछ चीज़ें हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, जहाँ से क्वेश्चन बन सकता है उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो ये क्लास कितने बजे लाइंड अप है? 10 बजे, अभी सुबह 10 बजे। इसके अलावा शाम में 5:30 बजे एक और क्लास आपके लिए लाइंड अप किया गया है, जो कि रेलवे का करंट अफेयर्स है। समझ सकते हो ना, जो तुम लोग हमेशा से डिमांड करते आ रहे हो, मैम रेलवे का करंट अफेयर्स ऑन यूट्यूब। तो ये क्लास आज शाम को कितने बजे होने जा रहा है? 5:30 बजे, ठीक है ना? और ये भी क्लास लाइव होगा। उम्मीद करते हैं कि सब लोगों ने लिंक को शेयर कर दिया होगा। ओके, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, मतलब कुछ भी तुम लोगों को कहना होता है। अब देख लो अनअकैडमी पे कौन से क्लासेस हैं, जहाँ पे आपको कोड क्या यूज़ करना है, वाईफाई चार्म कोड यूज़ करना है। एसएससी सीएचएसएल का जो बैच है वो ऑलरेडी लाइन अप हो चुका है। बैंकिंग है, एसबीआई मेंस का जो बैच है वो भी चल रहा है, और डीआरडीओ और साथ में रेलवे, ये बैचेस भी लाइन अप कर दिए गए हैं। बस यहाँ पे बहुत जल्दी क्लासेस होने जा रही हैं। ओके, अब देखो आज है एमसीक्यू का दिन, है ना? संडे है तो ऑब्वियसली बात है पूरा वीकली एमसीक्यू होगा, लेकिन उससे पहले ज़रा बात कर लेते हैं कि आज इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या रहने वाली है। कोरोना वायरस सबको पता है इसके बारे में, शायद ही कोई अभी फिलहाल ऐसी कंट्री बची हो जहां पर कोरोना वायरस का इम्पैक्ट या फिर उससे जुड़े हुए जो केसेस हैं वो देखने को ना मिल रहे हो, राइट? आज देखो इम्पॉर्टेंट क्या होने जा रहा है, नज़र आ रहा है आपको ये सेटिंग एन एग्जाम्पल। अब ये क्या है, कौन बताएगा ये है क्या? ओके, रवि कुमार जी हैं नेपाल से, अ वेरी गुड मॉर्निंग। हाँ, आज ओडिशा का पीसीएस का एग्ज़ाम है, तो ऑल द बेस्ट टू देम। उम्मीद करेंगे कि एग्ज़ाम में मैक्सिमम क्वेश्चंस ऐसे हों करंट अफेयर्स के जो सीधे सीधे सेशंस हैं, लास्ट टाइम भी यही हुआ था, और उम्मीद करेंगे कि इस बार भी कुछ ऐसे ही देखने को मिलेगा। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। यह सेशन को प्लीज़ शेयर भी करते जाया करो। ओके, कोई पेपर कैंसिल होने नहीं जा रहा है अभी, मतलब तुम लोग अपने हिसाब से चीज़ों को यहाँ पर मत करो। सर वॉइस मिसमैच हो रही है, एक बार से प्लीज़ चेक कर लीजिएगा। हाँ, मेरा गला थोड़ा सा ख़राब हो गया, मेरी तबीयत ठीक है, बस थोड़ा सा गला ख़राब हो गया। ओके, चलिए। अच्छा, फिलहाल यहाँ पे हम लोग बात करना शुरू करते हैं कि न्यूज़पेपर की पहली हेडलाइन क्या है, उसके बाद देखेंगे जितने भी वीकली एमसीक्यूज़ हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे ये बता देते हैं कि सार्क कंट्रीज जितनी भी हैं आज उनके बीच में एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होने जा रही है कि कोरोना वायरस से लड़ने के लिए यहाँ पे क्या क्या स्टेप्स जो हैं वो लिए जा सकते हैं। हमें क्या एग्जाम पॉइंट से याद रखना है, सार्क के अंदर टोटल कितनी कंट्रीज आती हैं? टोटल 8 देश हैं, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान एंड श्रीलंका। इंपॉर्टेंट चीज क्या रहेगी, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? काठमांडू के अंदर है। इन केस अगर पूछा जाता है कि इसको डेवलप कहाँ पे किया गया था या फिर इसको बनाया कहाँ पे गया था, तो इसको ढाका के अंदर डेवलप किया गया था, ठीक है? ठीक, राइट, ओके, गुड मॉर्निंग। नहीं, अभी आप लोगों की दुआएं हैं कि अभी ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, बट अगर दुआएं आप लोगों की काम करना बंद कर दी तो ऐसा ज़रूर हो भी सकता है। अब देखो कोरोना वायरस के ऊपर आज यहाँ पे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होने जा रही है, कल रात में ये न्यूज़ आ गई थी, तो आज देखते हैं कि यहाँ से अगर कुछ भी आउटकम आता है तो उसके बारे में हम लोग बात कर लेंगे। नेक्स्ट देखो, यहाँ पर सबसे पहली चीज़, अगर पूछा जाता है कोरोना की वजह से अभी तक टोटल कितनी डेथ हो चुकी है, तो अप्रॉक्स 5,000 यहाँ पर डेथ हो चुकी है। सेकेंडली, टोटल कितने ऐसे लोग हैं जो इससे इफेक्ट हुए हैं, तो 1.3 लाख ऐसे लोग हैं जो इसकी वजह से इफेक्ट हुए हैं, जिसकी वजह से इसको एक नाम दिया गया है, दैट इज पेंडेमिक। पेंडेमिक का मतलब क्या होता है, कोई भी एक ऐसी बीमारी जो बहुत बड़े स्तर पे फैल जाती है या फिर बहुत सारे देशों में फैल जाती है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम पेंडेमिक का नाम देते हैं। पेंडेमिक का नाम दिया किसके द्वारा गया है, दैट इज WHO। हेडक्वार्टर कहाँ पर है, जेनेवा के, ठीक है? इतनी बात समझ में आ गई? फाइन, यहाँ तक बात समझ में आ गई। कोविड 19
हाँ बिल्कुल सही बात है, कोविड 19 से बच के रहना पड़ेगा। अब चलो आगे बात करते हैं, नेक्स्ट यहाँ पे क्या रहेगा, दूसरी जो न्यूज़पेपर की इम्पोर्टेंट हेडलाइन है वो यहाँ पे बात कर रही है किसके बारे में, रणजी ट्रॉफी के बारे में। अब देखो रणजी ट्रॉफी इम्पोर्टेंट क्यों हो जाती है, क्रिकेट से जुड़ी हुई है, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट क्या रहेगा, पहली बार ऐसा हुआ है कि जो सौराष्ट्र नाम की टीम है उसने इस मैच को जीता है, तो रणजी ट्रॉफी इस बार कौन सी टीम के द्वारा जीती गई, आंसर विल बी सौराष्ट्र। सेकेंड पॉइंट, अगर मान लो पूछ लिया जाता है कि यहाँ पे कौन सी टीम को हराया है, तो कौन सी टीम को हराया है इन्होंने, बंगाल की जो टीम है उसको यहाँ पे हराया गया। सिंपल क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, रणजी ट्रॉफी स्पोर्ट्स कौन सा रहेगा, क्रिकेट, किसने जीता हुआ है, सौराष्ट्र ने हराया किसको है, यहाँ पे बंगाल को, ठीक है। अच्छा अब यहाँ से शुरुआत होने जा रही है सारे एमसीक्यूज की, उम्मीद करेंगे यहाँ पे कि आप लोगों ने लिंक को शेयर कर दिया होगा, और अगर सेशन पसंद आया करे तो प्लीज उसको लाइक भी करते जाया करो। सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आता हुआ क्वेश्चन नंबर वन, आंसर करो इसको फटाफट से, यहाँ पे सौराष्ट्र टीम ने जीता है, बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पे। अच्छा अन अकेडमी का शेड्यूल, देखो अन अकेडमी के जो मैंने आपको बताया था ना कि 20,000 जो क्लासेस हैं वो स्टार्ट होने जा रहे हैं, तो वो क्लासेस की लॉन्चिंग ऑलरेडी कल हो चुकी है, अब मंडे से आपको वो सारे क्लासेस देखने को मिलना शुरू हो जाएंगे। इन केस कोई भी क्वेरी हो तो वो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे पूछ सकते हो, या फिर आप किसी के भी अगर टेलीग्राम ग्रुप से कनेक्टेड हो तो आप वहाँ पे भी जाके इसको पूछ सकते हैं। पहला क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, WHO ने अभी हाल ही में जो कोविड 19 है यानी कि कोरोना वायरस से जुड़े हुए जितनी भी चीज़ें हैं उनको इसमें से कौन सी कैटेगरी के अंदर रखा गया है, पेंडेमिक है, एपिडेमिक है, एंडेमिक है, या फिर मेजमैटिक है, आंसर बताओ इसका आंसर क्या बनेगा। अभी मैंने जस्ट इसका आंसर बोला था, आंसर विल बी पेंडेमिक। ओके अच्छा एक चीज़ ध्यान रखना, पेंडेमिक का मतलब हो जाता है कि पूरी कंट्री के साथ साथ बहुत सारे ऐसे देश हो जहाँ पर इनकी वजह से आपको केसेस भी देखने को मिल रहा है और इनकी वजह से आपको बहुत सारी डेथ भी देखने को मिलती है, ठीक है। एपिडेमिक का मतलब होता है कि ये पर्टिकुलरली किसी रीजन के अंदर, यानी कि हम बोलते हैं ना कि अगर कोई भी बीमारी है लाइक जीका वायरस है, तो ये क्या हो जाएगा, ये पर्टिकुलरली किसी एक ही कंट्री के अंदर या फिर सिर्फ एक या दो ही कंट्री के अंदर देखने को मिली, उसे हम क्या बोलेंगे, एपिडेमिक बोलेंगे। सेकेंडली जो कोरोना वायरस है जिसको हम कोविड 19 के नाम से जानते हैं, ये सबसे पहले जो इम्पैक्ट है या फिर सबसे पहले जो इफेक्ट करता है वो किसको करता है, लंग्स को करता है। सेकेंड पॉइंट, ये जोनोटिक है, जोनोटिक का मतलब ये हो जाता है कि ये एनिमल से किसी भी ह्यूमन में ट्रांसफर हो सकता है और ये ह्यूमन टू ह्यूमन भी ट्रांसफर होता है। अगर आप UPSC के लिए प्रिपेयर कर रहे हो और कोविड 19 के ऊपर अगर सवाल बनेगा तो इसी तरीके से स्टेटमेंट्स आपसे पूछे जाएंगे कि क्या ये जोनोटिक है कि नहीं है, क्या ये ट्रांसफर हो सकता है कि नहीं हो सकता है, तो बी प्रिपेयर, या आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर टू, मेरा क्लास नहीं मिलता है ना अकेडमी पे, चलो बता देंगे कि कैसे मिलेगा। करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट। दूसरा क्वेश्चन आंसर करो, कौन सी ऐसी कंट्री है जहाँ की संसद के द्वारा, पार्लियामेंट के द्वारा अभी ये बोला गया है, थोड़ा सा अभी बता भी देंगे, कुछ ऐसी पार्लियामेंट्स हैं जिनके नाम अक्सर पूछे जाते हैं, सवाल में पूछा जा रहा है कि कौन सी ऐसी संसद है, कौन सी ऐसी पार्लियामेंट है जिन्होंने अभी ये बोला है कि जो वहाँ के राष्ट्रपति हैं वो 2036 तक वहाँ के राष्ट्रपति बने रहेंगे। तो पहले तो मुझे कंट्री का नाम आंसर करो, कंट्री का नाम क्या होगा, रशिया बनेगा। रोहित जी मैं अभी आपको शेड्यूल बता दूंगी, डोंट वरी, अभी आपको शेड्यूल बता देंगे, बिल्कुल लास्ट में चल के इसका शेड्यूल बता देंगे, आंसर विल बी रशिया। टेक्निकल की क्लासेस देखो, अभी जो 20,000 प्लस क्लासेस होने जानी है उसमें आपको टेक्निकल की क्लासेस भी मिल जाएंगी, ठीक है। एक बार से आप अपना जो टारगेट है उसको सर्च करिएगा, वो क्लासेस भी आपको मिल जाएंगी। अच्छा इसका आंसर क्या बनेगा, आंसर विल बी रशिया। कमेंट सेक्शन में जल्दी से मेंशन करो रशिया की पार्लियामेंट का नाम क्या है, जापान की पार्लियामेंट का नाम क्या हो जाएगा, डाइट। इसके अलावा मालदीव पूछ लिया जाता है, मजलिस। ईरान पूछा जाएगा तो भी क्या हो जाएगी, मजलिस रहेगी। नेक्स्ट आपसे पूछा जा सकता है यहाँ पे इसराइल की, वो क्या हो जाएगी, वो रहेगी यहाँ पे नेसेट, ठीक है। तो कुछ ऐसे यहाँ पे पार्लियामेंट्स हैं जिनके ऊपर कई बार एग्जाम में सवाल पूछ लिया जाता है, लाइक शोरा भी पूछ लिया जाता है, तो थोड़ा बहुत इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। रशिया की जो पार्लियामेंट है उसका नाम जल्दी से कमेंट सेक्शन में आंसर करो, ड्यूमा, बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या रहेगा, ड्यूमा। रशिया की कैपिटल क्या हो जाएगी, मॉस्को। करेंसी पूछी जाएगी तो रूबल। और यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है, पुतिन जी हैं, सबको पता है इनके बारे में। तो दूसरा देखो यहाँ पे नॉर्थ कोरिया लिखा हुआ है ना, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में आपको 38 डिग्री पैलेस की जो लाइन है वो देखने को मिलती है, जो कि नॉर्थ कोरिया को साउथ कोरिया से डिफ्रेंशिएट करता है। सेकेंडली यहाँ पे देखो लिखा हुआ है ना सऊदी अरेबिया, और नीचे क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, रशिया मेंशनड है, राइट, नजर आ रहा है ना यहाँ पे। अब देखो इंपॉर्टेंट क्या है, मैंने आपको बताया था ओपेक नेशंस के बारे में, ये वो कंट्रीज होती हैं जो यहाँ पे ऑयल के प्रोडक्शन के ऊपर फोकस करती हैं, यानी कि इसके अंदर वो सारे देश आते हैं जहाँ पर आपको देखने को मिलता है कि सारी जो चीज़ें हैं ना
वो ओपेक नेशंस में जितना भी क्रूड ऑयल होता है उसके प्रोडक्शन के ऊपर फोकस किया जाता है। अब यहाँ पे ओपेक प्लस को आपको ध्यान रखना है कि अगर पूछा जाता है आपसे ओपेक प्लस में क्या क्या चीज़ें होंगी, तो आपसे यहाँ पे ध्यान रखना है कुछ चीज़ों को, ठीक है। अच्छा रुक जाओ, यहाँ पे कुछ टेक्निकल इशू हुआ है, वो अभी रिजॉल्व हो जाएगा, परेशान मत होना। तब तक हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे ओपेक टू के बारे में बात कर लेते हैं, ओपेक प्लस के बारे में बात कर लेते हैं। देखो ओपेक में वो सारी कंट्रीज आती हैं जो कि फोकस करती हैं किसके ऊपर, क्रूड ऑयल के ऊपर, यानी कि सऊदी अरेबिया हो गया, वेनेजुएला हो गया। लेकिन ओपेक प्लस नाम की जो पूरी ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई है उसमें रशिया को भी इंक्लूड किया गया है। अब पॉइंट यहाँ पर यह आ जाता है कि रशिया का, ओपेक का और सऊदी अरेबिया का कनेक्शन क्या है। देखो अभी प्रेजेंट टाइम में अगर देखा जाए तो क्रूड ऑयल के जो प्राइसेस हैं या फिर पेट्रोल के जो दाम हैं वो क्या हो रहे हैं, वो धीरे धीरे करके कम हो रहे हैं, यही तो हो रहा है ना। अब पॉइंट यहाँ पे ये आया, तो इससे भैया रशिया को क्या काम है, रशिया का क्या लेना देना है। तो सिंपल सी बात यहाँ पे ये हो जाती है कि रशिया ने बोला हुआ है कि क्रूड ऑयल का जो प्रोडक्शन हो रहा है वो हम अपने हिसाब से देखेंगे, सऊदी अरेबिया ने बोला कि उसको हम अपने हिसाब से यहाँ पे हैंडल करेंगे। अब कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट आता है और क्रूड ऑयल के जो प्राइजेज हैं वो धीरे धीरे करके स्लो डाउन हो गए। रीज़न क्या है, सऊदी अरेबिया ने यहाँ पे क्या किया है, जो प्रोडक्शन है उसको यहाँ पे और भी ज्यादा बढ़ा दिया गया है, ठीक है। तो आंसर क्या बन जाएगा, फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, आंसर विल बी रशिया। ऑल गुड, आ गया यहाँ पे, सही हो गया, चलो अच्छा। अरे हाँ ठीक हो गया ना, क्यों परेशान हो। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे, क्वेश्चन में पूछा जा रहा है यहाँ पे व्हाट इज इंडियाज रैंक इन रिसेंटली रिलीज सिप्री आर्म एक्सपोर्ट लिस्ट। कुछ टाइम पहले मैंने आपको बताया था कि जो सिप्री नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन है वो यहाँ पे एक लिस्ट जारी करता है, किसके लिए, आर्म्स के लिए, यानी कि जो हथियार होते हैं उसके लिए एक सूची जारी करी जाती है कि कौन सी कंट्री ज़्यादा इंपोर्ट कर रही है, कौन सी ज़्यादा कंट्री यहाँ पे एक्सपोर्ट कर रही है। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि सिप्री के इंडेक्स के हिसाब से इंडिया की इसमें से रैंक क्या बनेगी, लेकिन ध्यान रखिएगा यहाँ पे एक्सपोर्ट पूछा जा रहा है, इम्पोर्ट नहीं पूछा जा रहा है। आंसर बताओ इसका आंसर क्या बनेगा, आंसर विल बी 23, करेक्ट, 25 नहीं होगा, इट विल बी 23, आंसर विल बी 23। अच्छा एक चीज़ और, अगर मान लो ये पूछा जा रहा है एक्सपोर्ट ना, अगर इम्पोर्ट पूछा गया तो, इम्पोर्ट पूछा जाएगा तो नंबर वन पे कौन रहेगा, सऊदी अरेबिया, और नंबर टू पे कौन रहेगा, दैट विल बी इंडिया, ठीक है, इतनी चीज़ों को ध्यान रखिएगा, करेक्ट। नेक्स्ट देखो अगला सवाल, अगला है व्हेन इज वर्ल्ड स्लीप डे 2020 सेलिब्रेटेड अक्रॉस द वर्ल्ड। ये तुम लोग का फेवरेट वाला क्वेश्चन है क्योंकि यहाँ पे सोने के बारे में बात करी जा रही है। जल्दी से आंसर करके बताओ कि पूरे विश्व में वर्ल्ड स्लीप डे किस दिन मनाया जाता है, 10 मार्च को, 11 को, 12 को, 1 को या फिर 13 को, आंसर, या सेशन को शेयर भी करते जाइएगा। करेक्ट, इंपोर्ट पूछा जाएगा तो इंडिया विल बी ऑन सेकेंड। इंपोर्ट में नंबर वन इज सऊदी अरेबिया, बिल्कुल करेक्ट है। 13 मार्च को, देखो किसी का 12 मार्च भी आ रहा है, इट्स 13th ऑफ मार्च, राइट। नेक्स्ट देखो यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान रखनी है, आज है यहाँ पे 15 मार्च, 15 मार्च का जो दिन है ये मनाया जाता है वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे के रूप में, और आपसे यहाँ पे थीम्स वगैरह कई बार पूछी जाती हैं, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि इस बार का ये जो वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे है इसकी थीम क्या है, द सस्टेनेबल कंज्यूमर्स, ठीक है, जो यहाँ पे कंज्यूमर्स होते हैं उनके लिए यहाँ पे इस डे को सेलिब्रेट किया जाता है ताकि उनको जागरूक किया जा सके और ज़्यादा अवेयर किया जा सके। आपके लिए यहाँ पे हम एक होमवर्क छोड़ रहे हैं, होमवर्क ये है कि अब तक यानी कि 1 मार्च से लेके 15 मार्च के बीच में जितने भी डे सेलिब्रेट हुए हैं वो सारे आप कमेंट सेक्शन में मैंशन करोगे सेशन खत्म होने के बाद, ठीक है, चला जाए आगे। करेक्ट, कंज्यूमर मिनिस्ट्री पूछी जाएगी तो रामविलास पासवान जी के पास है, वेरी नाइस। किडनी डे इज ऑन 12th, अब मैं नहीं बता रही, अब ये तुम लोग को आंसर करना है, हाँ बस यही डिस्कस करो यहाँ पे। ओके नेक्स्ट देखो अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, ये क्वेश्चन जो है ना थोड़ा सा यहाँ पे इसके बारे में हम आपको कुछ चीज़ें बता देंगे। सवाल में पूछा जा रहा है कि इंडिया जो है वो कौन सी ऐसी टीम के साथ अभी खेलने वाली थी, पॉइंट टू बी नोटेड, खेलने वाली थी जहाँ पे कोई भी ऑडियंस प्रेजेंट नहीं होगा। तो ज़रा आपको बता देते हैं कि इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच में अभी एक पूरा जो सीरीज़ थी वो ऑर्गेनाइज करी जा रही थी। अभी जो दूसरा वाला मैच होना था वो लखनऊ के अंदर ऑर्गेनाइज करना था, और उसके बाद जो नेक्स्ट होना था वो कोलकाता के ईडन गार्डन्स के अंदर ऑर्गेनाइज किया जाना था, और ये भी डिसाइड हो गया था कि मैचेस होंगे लेकिन वहाँ पे कोई भी ऑडियंसेस नहीं होंगे।
लेकिन कल शाम को भी ये डिसाइड हो गया है कि जो पूरी सीरीज है वो ही कैंसिल कर दी गई है। तो बी प्रिपेयर, अगर मान लो सवाल पूछा जाता है कि कौन सी सीरीज है जो अभी रिसेंटली कैंसिल करी गई है, तो इंडिया और साउथ अफ्रीका के जो मैचेस हैं वो कैंसिल किए गए, इस चीज़ को ध्यान रखना। एक्चुअली क्वेश्चन मैंने सुबह बनाया था, लेकिन शाम होते होते ये जो है ये पूरी तरीके से कैंसिल हो गया और सुबह इसके ऊपर कन्फर्मेशन भी आ गई। ठीक है, बात समझ में आ गई? हाँ, कैंसिल हो गया ये, अभी पूरी सीरीज ही कैंसिल हो गई है, मैच की बात नहीं, पूरी सीरीज कैंसिल हो गई, आज सुबह के न्यूज़पेपर में है ये। ठीक है, चलिए, अच्छा नेक्स्ट देखो यहाँ पे। अच्छा, एक यहाँ पे देखो नाम लिखा हुआ है, दैट इज इंग्लैंड। इंग्लैंड से हमें क्या याद रखना है, कॉमनवेल्थ गेम को याद रख लीजिएगा, क्योंकि 2022 में वो यहीं पर बर्मिंघम के अंदर ऑर्गेनाइज किए जाएंगे। और जब हम इंग्लैंड की बात करेंगे तो लंदन आपको ध्यान आना चाहिए, लंदन में एमनेस्टी इंटरनेशनल का हेडक्वार्टर, IMO यानी कि इंटरनेशनल मेरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर, और इसके साथ में कॉमनवेल्थ का जो हेडक्वार्टर है, वो तीनों ही हेडक्वार्टर्स मुख्यालय कहाँ पर है, लंदन के अंदर ही लोकेटेड है। ठीक है, देखो न्यूजीलैंड लिखा है, न्यूजीलैंड से क्या सवाल बन सकता है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के बारे में जब हम बात करेंगे तो ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी किया जाता है, जिसमें इंडिया की रैंकिंग कितनी है, 63 है, बट नंबर वन पे कौन सी कंट्री आती है, तो नंबर वन इज न्यूजीलैंड। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट बने गई है। हाँ रुपेश, पूछिए क्या सवाल है, अगर दिख गया है यहाँ पे, तुम लोग तो ये चाहते ही हो, दिस इज वॉट यू पीपल वॉन्ट, तो ये ध्यान रख लेना, पूरी जो सीरीज है ये कैंसिल हो चुकी है। ओके, अगला सवाल देखो, वॉट इज द नेम ऑफ द फेसबुक कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इनिशिएटिव इन इंडिया। सवाल में पूछा जा रहा है कि अभी हाल ही में भारत के अंदर फेसबुक के द्वारा एक नई पहल शुरू करी गई है, जिसका नाम है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब इसको एक पर्टिकुलर नाम दिया गया है, वो नाम आपको बताना है। आपको ये बता दें कि फेसबुक के हेड कौन है, मार्क जोनसबर्ग, सबको पता है। इसके अलावा यहाँ पे कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी लिखा हुआ है ना, इसका काम क्या है, जो महिलाएं हैं ना, जो विमेन्स हैं, उनको और ज़्यादा बिजनेस में लेके आना, या फिर विमेन के लिए यहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप को और भी ज़्यादा बढ़ावा देने के लिए यहाँ पे इसको लॉन्च किया गया है। सवाल में पूछा जा रहा है इसका नाम क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर विल बी प्रगति। ठीक है, गलत मत करिएगा इसको, प्रगति बनेगा इसका आंसर। अच्छा, व्हाट इज आरंभ, ये बताओगे आरंभ क्या है, क्या ये इंडिया का कोई ऐसा कैंपेन था जो शुरू हुआ था अभी कुछ समय पहले, क्या गुजरात में था या ओडिशा में था, कुछ ऐसा था? देखो, अबाधा नाम का जो यहाँ पे पूरा एक स्कीम चलाया गया था वो ओडिशा के अंदर था, और आरंभ नाम की जो पूरी ये एक कैंपेन चलाई गई थी ये गुजरात के अंदर चलाया गया था, जहाँ पे जितने भी IAS ऑफिसर्स हैं उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करी गई थी। तो बी प्रिपेयर्ड, ऐसे भी क्वेश्चन आपसे फ्रेम किए जा सकते हैं। अगला सवाल देखो, इंडिया की आपको रैंक बतानी है इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स 2020 के अंदर। आंसर करो इसको, या सेशन को शेयर भी करते जाया करो, अभी तो MCQ मिलेंगे, इसके बाद वन लाइनर भी आने वाले हैं जहां पे कोई भी ऑप्शन आपको मिलेगा नहीं, एज यूजुअल बिना ऑप्शन के खेलने में ज्यादा मजा आता है यहाँ पे। आंसर बताओ इसका, करेक्ट, गुजरात में IAS ऑफिसर्स की जो ट्रेनिंग थी, बिल्कुल करेक्ट बात है, यहाँ पे आरंभ गुजरात, राइट। इसका आंसर क्या होगा, आंसर बताओ, यहाँ पे इंडिया की इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स के अंदर इंडिया की रैंकिंग क्या है? चलो अच्छा, 46 है, करेक्ट। नंबर वन पे कौन था, नंबर वन पे कौन था, नॉर्वे या स्वीडन? नंबर वन इज नॉर्वे और स्वीडन, दोनों में से कौन सा होगा? देखो, जब हम नॉर्वे स्वीडन बोलेंगे ना, तो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज आपके दिमाग में तुरंत से आना चाहिए, फिनलैंड, डेनमार्क, नॉर्वे एंड स्वीडन, चारों कंट्रीज जो हैं वो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं, क्योंकि स्कैंडिनेवियन माउंटेन कहाँ पर है, यूरोप के अंदर है। आंसर नंबर वन पे कौन है, जल्दी से आंसर करके बताओ, विच कंट्री इज ऑन द टॉप। आंसर नहीं आया है अभी तक, स्वीडन होगा कि नॉर्वे होगा? स्वीडन होगा, करेक्ट आंसर विल बी, नंबर वन पे कौन सी कंट्री रहेगी, स्वीडन रहेगी। इन केस पूछा जाता है कि इसको जारी किसके द्वारा किया जाता है, तो EIU के द्वारा इसको जारी किया जाता है। अगला सवाल, कौन सा भारत का ऐसा राज्य है जिसने अभी हाल ही में जितने भी फॉरेनर्स हैं उनकी एंट्री के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया है, क्योंकि कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए उन्होंने इस स्टेप को फॉलो किया है। आपको क्या करना है, स्टेट का नाम बताना है, हरियाणा, हिमाचल, महाराष्ट्र, केरला या फिर अरुणाचल प्रदेश, इनमें से कौन सा ऐसा राज्य है जिसने ऐसा कदम उठाया है। हरियाणा से देखो क्या याद रखना है, सूरज कुंड मेला, जिसमें पार्टनर स्टेट कौन सी रही थी, हिमाचल प्रदेश। अगर पार्टनर कंट्री पूछी जाएगी तो दैट विल बी उज्बेकिस्तान। महाराष्ट्र के पॉइंट से आपको क्या चीजें याद रखनी है, यहाँ पे मुंबई के अंदर ऑर्गेनाइज किया गया था अभी काला घोड़ा नाम का फेस्टिवल, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में सवाल यहाँ से पुटअप किया जा सकता है। नेक्स्ट देखो केरला आएगा, तो केरला से काफी सारे वैसे तो पॉइंट है, बट ये याद रख लेना कि ओणम फेस्टिवल जो है वो यहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है। लास्ट इसका ये बनेगा करेक्ट आंसर, आंसर विल बी अरुणाचल प्रदेश, नो इट्स नॉट केरला, इट्स अरुणाचल प्रदेश,
जितने लोगों ने केरला बोला है प्लीज उनका गलत है, इसको करेक्ट कर लेना, अरुणाचल प्रदेश रहेगा इसका करेक्ट आंसर। देखो COVID-19 की शुरुआती केरला से हुई थी, तो अभी तो इस तरीके के स्टेप लेने का कोई मतलब नहीं बनता, लेकिन अरुणाचल प्रदेश ने क्या किया हुआ है, यहाँ पे जितने भी फॉरेनर्स हैं उनके एंट्री के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया गया है, ठीक है। अब एक चीज़ और, अरुणाचल आया है, कैपिटल क्या रहेगी, ईटानगर बनेगी। इसके अलावा आपको तवांग नाम की जो जगह है वो यहीं पर है अरुणाचल के अंदर, जहाँ पे तवांग फेस्टिवल भी सेलिब्रेट किया जाता है। इसके अलावा मान लो सपोज करो नेशनल पार्क्स अगर पूछे गए तो क्या आंसर करोगे, तो नेशनल पार्क्स में सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है केरला का साइलेंट वैली नेशनल पार्क, नेक्स्ट होगा इराविकुलम नेशनल पार्क, पेरियार नेशनल पार्क, और यहाँ पे एक डैम भी है जिसका नाम है मुला पेरियार डैम, केरला की बात कर रहे हैं, ठीक है। अरुणाचल में आ जाओगे तो यहाँ पे मिलेगा नामदफा नेशनल पार्क और मॉलिंग नेशनल पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, चपचरकूट फेस्टिवल, आंसर चपचरकूट नाम का जो फेस्टिवल है वो कहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है। पीडीएफ तो भाई लास्ट में मिलेगी ना, पीडीएफ के बारे में तुम लोग अभी क्यों पूछना शुरू कर देते हो। आंसर ओके, अमित जी पुष्कर राय राइट, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। यहाँ पे क्लास कितने बजे तक है भाई, तो क्लास 8 बजे तक चलेगी, इसका करेक्ट आंसर क्या बनेगा, आंसर विल बी मिजोरम। अब देखो हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड, आसाम में बिहू फेस्टिवल साल में 3 बार मनाया जाता है, ओडिशा में अगर पूछा जाएगा आपसे तो नखोई फेस्टिवल हो जाएगा, और पुरी जगन्नाथपुरी रथ यात्रा रहेगी जिसको हम यहाँ पे कार फेस्टिवल के नाम से भी जानते हैं। मणिपुर में पूछा जाएगा शंघाई फेस्टिवल, और इसके साथ में आपको ये भी ध्यान रखना है कि यहाँ पर एक और फेस्टिवल होगा जिसका नाम क्या है, ऑरेंज फेस्टिवल, ठीक है। नेक्स्ट देखो अगला सवाल, नेम द पब्लिक सेक्टर बैंक, यहाँ पे आपको पब्लिक सेक्टर बैंक का नाम बताना है जिसने अभी हाल ही में बोला है कि यस बैंक के जो शेयर्स हैं वो खरीदे जाएंगे उस पर्टिकुलर बैंक के द्वारा। आंसर क्या बनेगा भाई, देखो ये तो हो नहीं सकता है ना, इनकी तो नैया पहले से ही डूबी हुई है, इनका कोई लेना देना है नहीं, बचा कौन सा, SBI और बैंक ऑफ बड़ौदा। तो यहाँ पे आंसर क्या बनेगा, आंसर विल बी बैंक ऑफ सॉरी स्टेट बैंक, या फिर हम कह सकते हैं SBI। अब देखो मैंने एक चीज आपको बताई थी कि बैंक के मर्जर हुए हैं ना, अब ये जो बैंक का मर्जर है ये कब से एप्लीकेबल होने वाला है, तो 1 अप्रैल से ये लागू हो जाएगा, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। इंडिया का जो सबसे बड़ा बैंक है वो तो मुझे नहीं लगता कि मुझे बताने की आपको ज़रूरत है, तो इस मर्जर को यहाँ पे लागू कब से हो रहा है, तो 1 अप्रैल से ये लागू होने जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, इंडियन कोस्टल गार्ड यहाँ पे 9th एडिशन एक्सरसाइज का ऑर्गेनाइज किया गया है जिसका नाम क्या है, सेरिक्स 2019। याद रखने का पॉइंट क्या है कि इंडियन कोस्ट गार्ड की एक्सरसाइज है, आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सी जगह पर इसका आयोजन किया गया। करेक्ट, 49% के जो शेयर्स हैं वो यहाँ पे राइट इसका आंसर बताओ, आंसर क्या बनेगा, या सेशन को शेयर करते जाना, क्योंकि भाई पूरे वीक का MCQ है तो ऑब्वियसली बात है कि यहाँ पे चीज़ें बहुत सारी हो जाएंगी। हाँ बिल्कुल करेक्ट है, 6% का नाम तुम लोगों ने बता दिया, क्योंकि देखो ये रिवीजन है, अब रिवीजन में भी अगर पूरा पूरा डेटा हम रिवाइज करने बैठेंगे तो कैसे काम चलेगा। ओके इसका आंसर बनेगा गोवा। अब देखो पॉइंट, सबसे पहली चीज आपसे पूछी जा सकती है हैंड इन हैंड एक्सरसाइज इंडिया और चाइना। नेक्स्ट यहाँ पे आपको याद रखना है टाइगर ट्राइम इंडिया USA, संप्रीति एक्सरसाइज इंडिया बांग्लादेश। इन तीन का तो नाम आपके टिप्स पे होना चाहिए, क्योंकि ये तीन ऐसी वाली हैं कि कभी भी आपसे पूछी जा सकती हैं। इन केस अगर पूछा जाता है कि SCO के अंदर जितने भी देश आते हैं उनके बीच में अभी एक एक्सरसाइज ऑर्गेनाइज करी गई थी रशिया के अंदर, उसका नाम क्या था, उसका नाम था सेंटर, जो कि T से स्टार्ट होगा, ठीक है सेंटर। तो ये हो गया इसका करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे ध्यान रख लीजिएगा, इंडियन कोस्ट गार्ड की एक्सरसाइज है जिसका नाम क्या है, सेरिक्स 2020। नेक्स्ट पे आओ, अगला सवाल, इंटरनेशनल इवेंट ऑन योगा 21st of June, सबको ये चीज़ तो पता ही है। सवाल में आपसे पूछा जा रहा है कि ये इस बार कहाँ पर मनाया जाएगा, लास्ट ईयर की बात करो तो ये कहाँ पर हुआ था, रांची के अंदर, इस बार ये कहाँ पर सेलिब्रेट किया जाएगा, तो इट विल बी सेलिब्रेटेड इन ले, ठीक है। ले कहाँ पर है, लद्दाख के अंदर है, लद्दाख की टोटल 2 डिस्ट्रिक्ट हैं, कारगिल और ले। अजय वॉरियर भी है, ठीक है बिल्कुल करेक्ट है, UK के साथ हैं, और इंद्रधनुष भी है, वो भी UK के साथ है, वो अभी UP के अंदर ही ऑर्गेनाइज किया गया था, ठीक है करेक्ट, सेंटर ले राइट। अब नेक्स्ट देखो, यहाँ पे एक आपको नाम नजर आ रहा है ना, ये दोनों नाम नजर आ रहे हैं, तो ये दोनों जो कैपिटल हैं किसके हैं, उत्तराखंड के। उत्तराखंड के अभी हाल ही में जो समर कैपिटल डिक्लेयर करी गई है वो कौन सी है, GRCN रहेगी यहाँ की समर कैपिटल। नेक्स्ट देखो अगला सवाल, 34th नेशनल स्नूकर टाइटल ये किसके द्वारा जीता गया, मैंने आपको बताया था कि अहमदाबाद के अंदर खेला गया था, महाराष्ट्र के प्लेयर थे जिनको यहाँ पे हराया है। सवाल में पूछा जा रहा है कि ये किसके द्वारा जीता गया, जब भी स्नूकर आएगा तुरंत से आपके दिमाग में नाम कौन सा आना चाहिए, पंकज अडवाणी, वेरी इजी। नेक्स्ट पे चलो, अगला क्वेश्चन, विच स्टेट हैज स्टॉप्ड ओवरऑल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पोषण अभियान,
सवाल में पूछा जा रहा है कि जो पोषण अभियान है उसको अच्छी तरीके से लागू करने की जो पूरी एक सूची जारी करी गई है उसमें कौन सा ऐसा स्टेट है जो नंबर वन पे रहा, आंसर करके बताओ, आंसर करके बताओ इसका आंसर क्या बनेगा। ओके, SCO का फुल फॉर्म किसी ने शायद पूछा है, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म है, इसका हेडक्वार्टर बीजिंग के अंदर है, पंकज अडवाणी करेक्ट। अच्छा एक पॉइंट और, अगर ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो आंसर यहाँ से क्या बनेगा, आंध्र प्रदेश विल बी दी करेक्ट आंसर। लेकिन अगर मान लो पूछा जाता है कि बहुत ही बेकार कैटेगरी में किसको रखा गया, यानी कि सबसे बेकार इम्प्लीमेंटेशन इस स्कीम का कहाँ पे हुआ है, तो वो रहेगा कर्नाटका। पोषण अभियान पूछा जा रहा है तो पोषण माह भी आपसे पूछा जा सकता है, कौन सा मंथ ये सेलिब्रेट किया जाता है, सितंबर रहेगा। लास्ट कहाँ से इसकी शुरुआत हुई थी, तो राजस्थान से इसको शुरू किया गया था, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज़ और, पोषण के ऊपर यहाँ पे कुछ अवार्ड्स वगैरह भी दिए गए थे, जो यहाँ पे हमारी ये है ना, क्या नाम है, स्मृति ईरानी जी, जिनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या है, अमेठी यूपी से हैं, इनके पास कौन से मंत्रालय हैं, दो मंत्रालय हैं, एक है टेक्सटाइल और दूसरा कौन सा है, विमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर। तो यहाँ पर इनके द्वारा ही पोषण अवार्ड्स भी दिए गए थे, अभी कुछ टाइम पहले की बात है। ओके नेक्स्ट देखो, अगले सवाल पर चलते हैं, पगली फेस्टिवल ये कहाँ पर मनाया जाता है, ये मैं नहीं बताने वाली, मैंने आपको बताया था कि ये फेस्टिवल तब मनाया जाता है जब विंटर्स जो हैं वो ख़त्म हो रही होती हैं और स्प्रिंग सीजन जब शुरू होने वाला होता है उस टाइम पे इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है। नेम ऑफ द स्टेट, स्टेट का नाम, आप तुम लोग ऐसे शब्दों का इस्तेमाल ना करो कि कर्नाटका घटिया घटिया वटिया मत बोला करो, आंसर बताओ इसका क्या बनेगा। तमिलनाडु कहाँ से आंसर कर रहे हो, हिमाचल प्रदेश करेक्ट, आंसर विल बी हिमाचल प्रदेश। अब देखो यहाँ पे एमपी लिखा हुआ है ना, तो एमपी के अंदर कौन कौन से फेस्टिवल्स हैं, सबसे पहले नर्मदा महोत्सव, यहाँ पे आपको एक चीज़ और याद रखना है, नमस्ते ओरछा फेस्टिवल, तानसेन समारोह, ये जितने भी फेस्टिवल हैं, खजुराहो फेस्टिवल, ये कहाँ पर सेलिब्रेट होते हैं, एमपी के अंदर होते हैं। तमिलनाडु के पार्ट पे आपको क्या याद रखना है, पोंगल फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है, टोटल चार दिनों का ये त्यौहार होता है जिसमें सेकेंड डे पे सेलिब्रेट किया जाता है जलीकट्टू, वेरी इंपॉर्टेंट। कर्नाटका लिखा है तो यहाँ पे कंपाला फेस्टिवल जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है कहाँ पर, कर्नाटका के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट देखो यहाँ पे अगला क्या है सवाल, फिलहाल यहाँ पे देखो सारी चीज़ें मेंशन कर दी हैं, ये मैंने आपको बता ही दिया, इसके अलावा एक चीज़ और याद रख लेना है, यहाँ पे होला मोहल्ला ये जो फेस्टिवल है ये कहाँ पे सेलिब्रेट होता है, पंजाब के अंदर, और अतुकल पोंगल ये फेस्टिवल कहाँ है, ये केरला के अंदर है। सिर्फ पोंगल आएगा तमिलनाडु, अगर अतकु पोंगल पूछा जाएगा तो क्या बनेगा, केरला। नेक्स्ट पे चलो अगला सवाल, हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ बिकम द रिचेस्ट मैन इन एशिया, एशिया के अंदर सबसे अमीर व्यक्ति के रूप में किसको चुना गया है, आंसर करो इसको। हाँ पगली लिखो तुम लोग, कुछ भी लिखना होता है ना, एनीथिंग, कुछ भी बताना होता है यहाँ पे, इसका आंसर क्या रहेगा, जैकमा। अच्छा देखो मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी कि ये तो इंडेक्स जारी किया गया, लेकिन इसके अलावा मैंने आपको ये बताया था कि अगर वर्ल्ड में पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा रिचेस्ट कौन सा पर्सन है, तो उसमें जेफ बेजोस का नाम आएगा जो उनके पास अमेजोन कंपनी है, राइट। उसके बाद नाइन्थ नंबर पे कौन रहेंगे, मुकेश अंबानी जी रहेंगे। और नेक्स्ट यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा अभी जो यहाँ पे टॉप लिस्ट आई थी, उस टॉप लिस्ट के अंदर पांच इंडियंस के नाम भी आए थे जो यहाँ पे नजर आ रहे हैं ना आपको, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यंग ग्लोबल लीडर लिस्ट 2020, ये इंडेक्स यहाँ पे लिस्ट जारी करी गई थी, ठीक है। इसमें इंपॉर्टेंट नाम कौन सा है, बायजूस इंपॉर्टेंट रहेगा, मुझे मतलब मेरा ऐसा है कि 90% आई एम श्योर कि अगर सवाल यहाँ से बनेगा तो इनके नाम के ऊपर ही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये कौन सी कंपनी से बिलोंग करते हैं या कौन से एजुकेशन नाम की कंपनी है या कुछ ऐसा करके क्वेश्चन जो है फ्रेम किया जा सकता है, ठीक है। तो बी प्रिपेयर्ड, ये नाम आपको पता होना चाहिए। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इसकी जो बैठक होती है वो कहाँ होती है, डेवोस के अंदर, और अभी हाल ही में 50th बैठक जो हुई थी इसकी, 50वीं वाली, वो कहाँ हुई, वो भी डेवोस के अंदर ही हुई। कब हुई थी, अभी 5 या 6 जनवरी के आसपास इसको ऑर्गेनाइज किया गया था। अगले सवाल पे चलो, वर्ल्ड किडनी डे, वर्ल्ड किडनी डे, आंसर, वर्ल्ड किडनी डे जो है वो किस दिन मनाया जाता है, बहुत इजी सा आंसर बनेगा, आंसर विल बी 12th मार्च। लेकिन थीम क्या थी, एक बार से थीम भी इसकी हम लोग देख लेते हैं। मैंने आपको बताया था कि इतनी बड़ी थीम तो याद होने वाली है नहीं, याद कितना रखना है, किडनी हेल्थ फॉर एवरीवन एवरीवेयर, सिंपल सी बात है यार, किडनी है, लीवर है, ये कुछ हमारे बॉडी के ऐसे पार्ट्स होते हैं जो अच्छे से काम करते रहें तो ज़्यादा ही अच्छा रहता है। वेल अगला देखो यहाँ पे, नेम दी जेंडर इक्वालिटी कैंपेन, बात को थोड़ा यहाँ पे ध्यान से समझ लीजिएगा। अभी 8 मार्च को इंटरनेशनल लेवल पर वुमेंस डे सेलिब्रेट होता है ना,
सवाल में पूछा जा रहा है कि जेंडर इक्वालिटी कैंपेन, यानी कि जो समानता के लिए एक पूरा यहाँ पे कैंपेन ऑर्गेनाइज करी गई थी, कब से कब तक, 1 मार्च से लेकर 10 मार्च के बीच में अभी 2020 में, इस कैंपेन का नाम क्या दिया गया था वो आपको बताना है। आपके सामने 5 ऑप्शंस हैं। कैंपेन का नाम बताओ, सेशन को शेयर भी करते जाइएगा, एंड अगर आपको लगता है कि हाँ सेशन इज़ गुड तो आप प्लीज़ इसको लाइक भी कर दिया करो। कोई भी डाउट है आप इसको डिसलाइक भी कर सकते हो, बट डिसलाइक क्यों किया है तो प्लीज़ मुझे रीज़न ज़रूर से बता दिया करो, एटलीस्ट मुझे भी तो पता हो ना कि रीज़न क्या है। ठीक है, करेक्ट। ये जो डेज बता रहे हो ना आप लोग बीच बीच में, ये आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओगे कि कौन से दिन कौन से डे सेलिब्रेट होता है, 1 तारीख से लेके पूरा भी 15 मार्च के बीच में। आंसर क्या बनेगा, ईच फॉर इक्वल। देखो जब भी यहाँ पे ये टर्म लग जाता है ना, मैंने आपको कई बार बताया सवाल अपने आप इंपॉर्टेंट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल सबरीमाला टेम्पल के ऊपर जो केस चल रहा है अभी यहाँ पे प्रेजेंट टाइम में, वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो सबरीमाला टेम्पल है कहाँ पे, केरला के अंदर है। कौन कौन से ऐसे आर्टिकल हैं जो वॉयलेट हो रहे हैं, तो ये सब चीज़ें बेसिक हैं जो आपको पता होना चाहिए। अगला देखो यहाँ पे, हु इज़ अपॉइंटेड एज द डी जी ऑफ बी एस एफ के डी जी के रूप में अभी हाल ही में किसका अपॉइंटमेंट किया गया है। अभी तक कौन थे, वी के जौहरी जी थे, और अभी किसका अपॉइंटमेंट किया गया है यहाँ पर, एस एस देसवाल जी का अपॉइंटमेंट हुआ है। ठीक है ना, इनका नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट देखो अगला सवाल, हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ युगांडा। युगांडा के अंदर अभी जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है उससे किसको सम्मानित किया गया, आपके सामने इतने सारे नाम हैं। कमेंट सेक्शन में युगांडा की कैपिटल और करेंसी। अरे हिंदी वाला रीड करना थोड़ी ना जरूरी, जब हिंदी में समझा दिया तो रीड क्या करना है। ओके करेक्ट, इसका आंसर क्या बनेगा यहाँ पे, राजेश चापलू जी इसका करेक्ट आंसर होगा। देखो नरेंद्र मोदी जी का नाम लिखा हुआ है, तो इनको अभी हाल ही में कुछ समय पहले यूएई के द्वारा एक अवार्ड दिया गया था, ऑर्डर ऑफ जायद अवार्ड, फिलिप अवार्ड भी मिला है, लेकिन यूजुअली ऑर्डर ऑफ जायद अवार्ड ही पूछा जाता है। अगला नाम लिखा हुआ है यहाँ पे नवदीप सिंह सूरी जी का, तो इनको ऑर्डर ऑफ जायद 2 अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगला नाम यहाँ पे शशि थरूर जी का, ये नाम इसलिए इंपॉर्टेंट है, इनको साहित्य अकेडमी अवार्ड फिक्शन की कैटेगरी में दिया गया था, बुक का नाम था एरा ऑफ डार्कनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए, विच इंडियन बैडमिंटन प्लेयर, सवाल में पूछा जा रहा है कि कौन से इंडियन बैडमिंटन ऐसे प्लेयर हैं जिनको अभी हाल ही में बीबीसी इंडिया स्पोर्ट्स विमेन ऑफ द ईयर के अवार्ड से सम्मानित किया गया है। जल्दी से आंसर करके बताना, बैडमिंटन से जुड़ा हुआ सवाल पूछा जा रहा है तो हो सकता है प्लेयर का नाम दे दिया जाए और आपसे पूछा जाए कौन से खेल से जुड़े हुए, तब भी आंसर आपके लिए ईजी रहने वाला है, बट इसका आंसर क्या बनेगा। ओके आज इतने दिनों बाद वॉचिंग का नंबर इतना पहुंचा है, हाँ बड़े टाइम बाद, क्योंकि घर से क्लासेस हो रहे थे, तुम लोग को पढ़ने में बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा था। कुछ दिनों बाद जो आपका वो पेंट आपका सरफेस है ना, जो तुम लोग बोल रहे थे कि मैम लिखने में उतनी राइटिंग ख़राब हो रही है, वो भी आपके लिए आ चुका है और बिल्कुल मेरे सामने भी रखा हुआ है, वो भी शायद मंडे से यहाँ पे आपके लिए आ जाएगा। ठीक है, ओके इसका आंसर क्या बनेगा, पीवी सिंधु इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो यहाँ पे, नेम द पर्सन Who has become the youngest cricketer to play any ICC World Cup final? सवाल में आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से ऐसा कौन सा प्लेयर है जिसने अभी ICC World Cup खेला है और वो सबसे youngest प्लेयर है। आंसर देखो, अभी विमेन वाला हुआ था ना T20, जिसमें कौन सी टीम जीती है, ऑस्ट्रेलिया जीती है, और किसको हराया है, इंडिया को हराया, और ये ऑर्गेनाइज कहाँ किया गया था, ऑस्ट्रेलिया के अंदर ही इसको ऑर्गेनाइज किया गया था, उसी टाइम पे इनका जो नाम है वो चर्चा में आया था, और नाम क्या है यहाँ पे, शेफाली वर्मा, राइट। अच्छा बड़ी खुशी हो रही है ना, तुम लोगों को मुझसे ज्यादा खुशी होने लगी है आजकल। ओके तो इनका नाम यहाँ पे याद रखिएगा, इनकी एज भी थोड़ा सा हो सकता है पूछा जाए, ऑल्दो नॉट सो इम्पोर्टेंट, एज नहीं पूछी जाती, लेकिन हाँ सवाल इस तरीके से आपके लिए फ्रेम किया जा सकता है। नेक्स्ट देखो यहाँ पे, नेम द पर्सन Who has been honored? सिंपल सा क्वेश्चन है, मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पे सवाल में पूछा क्या जा रहा है। सवाल में पूछा जा रहा है कि इनमें से ऐसे कौन सा पर्सन है, ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसको चेंज मेकर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है, और ये जो अवार्ड्स दिए जाते हैं ये किसके द्वारा दिया जाता है, बिजनेस लाइन के द्वारा दिया जाएगा। तो भाई यहाँ पे ये अवार्ड जो है दिए किसके द्वारा गए, वेंकैया नायडू जी के द्वारा दिए गए, तो इसमें करेक्ट आंसर क्या बनेगा, किसको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है, नाम बताओ, जल्दी से आंसर करके बताओ इसका आंसर क्या होगा। अच्छा एक चीज़ और, इसके बाद वन लाइनर भी आने जा रहे हैं जो कि पूरे लाइन अप किए हैं विदाउट एनी ऑप्शंस, कोई ऑप्शन वहाँ पे नहीं मिलने वाला है। आंसर विल बी दुती चंद। क्या मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कौन से स्पोर्ट्स से जुड़ी हुई हैं या कौन से स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हैं, अभी तो तुम लोग को यहीं पर कन्फ्यूजन होगा, उम्मीद करेंगे कि करेक्ट बता लोगे तुम लोग।
इट्स नॉट रोहित शर्मा, रोहित शर्मा इसका करेक्ट आंसर नहीं है. आंसर बताओ, इसका आंसर क्या बनेगा? अगर मैंने पूछा कि कौन से स्पोर्ट से ये नाम जो है वो जुड़ा हुआ है, तो आंसर क्या बनेगा? डीआरडीओ चीफ कहाँ से आ गए? सतीश रेड्डी जी के बारे में हम लोग तो कोई बात ही नहीं करी है. पीवी सिंधु हो गई. ओके करेक्ट. एनटीपीसी का क्लास कब है? आज शाम को 5:30 बजे रेलवे के लिए स्पेशल करंट अफेयर का क्लास आपके लिए लगाया गया है, तो शाम में 5:30 बजे आना मत भूल जाइएगा. लाइव क्लास होगी, इसी सेम जगह से क्लास मिलेगी. देखो कुछ लोग बोल रहे हैं हॉकी से जुड़ा हुआ है, कुछ लोग बोल रहे हैं फुटबॉल से जुड़ा है. रहने ही दो तुम लोग. अगला सवाल आपको यहाँ पे बताना है, नारी शक्ति पुरस्कार जो अभी हाल ही में दिए गए हैं, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि 8 मार्च को विमेंस डे सेलिब्रेट किया गया था, तो उसी दिन ये जो अवार्ड्स हैं वो दिए गए. किसके द्वारा? हमारे जो प्रेसिडेंट हैं रामनाथ कोविंद जी के द्वारा. सवाल में पूछा जा रहा है कि इनमें से ऐसी कौन सी महिला हैं, ऐसी कौन सी विमेन हैं जिनको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है, और उनका निकनेम भी है. निकनेम क्या है यहाँ पे? मशरूम महिला. तो आंसर क्या बनेगा? आंसर बताइए इसका. चलो थोड़ा सा एलिमिनेट कर देते हैं, ये आंसर नहीं होगा, ये भी आंसर नहीं है और ये भी आंसर नहीं है. चलो 50-50 यहाँ पे रहता है आपके पास. आंसर अब बता दो. हाँ एनटीपीसी सुन के ना तुम लोग को ऐसा लगता है स्पिंटर. चलो गरिमा थे कि आंसर कर दिया. आंसर विल बी बीना देवी. अच्छा यहाँ पे इनको इस नाम से क्यों जाना जाता है? क्योंकि इन्होंने बहुत ज़्यादा फोकस किया है इसके कल्टीवेशन के ऊपर, जिसकी वजह से इनको इस पेट नेम से जाना जाता है. तो ये हो सकता है पेट नेम के ऊपर क्वेश्चन बन जाए, या फिर आपसे सिंपली पूछा जा सकता है कि इनको कौन से अवार्ड से सम्मानित किया गया. ठीक है नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन आ गया, नेम द इंडियन स्टेट. आपको यहाँ पे इंडियन स्टेट का नाम बताना है, भारत के उस राज्य का नाम बताना है जहाँ पे डिजिटल लिटरेसी को बढ़ावा देने के लिए एक कैंपेन शुरू करी गई है, अवेयरनेस कैंपेन है, जिसका नाम क्या है? आई एम ऑल डिजिटल. मतलब डिजिटलाइजेशन तो ऐसे बढ़ता हुआ जा रहा है, तो यहाँ पे आई एम ऑल डिजिटल नाम की जो कैंपेन है ये कौन से स्टेट के द्वारा शुरू करी गई? नेम ऑफ द स्टेट, स्टेट का नाम बताइए, स्टेट का नाम. ओके ठीक है, आंसर यहाँ से क्या बनेगा? आंसर विल बी केरला. केरला के अंदर इस कैंपेन को शुरू किया गया. अच्छा एक चीज याद रखिएगा, इंटरनेट एक्सेस को यहाँ पे फंडामेंटल राइट डिक्लेयर किया गया है. कहाँ पर? केरला के अंदर. त्रिपुरा एक ऑप्शन में लिखा हुआ है, तो त्रिपुरा के अंदर ये बोला गया कि सोशल मीडिया जो है, या हम ये कह सकते हैं ट्विटर हो गया, फेसबुक हो गया, इन सब के ऊपर भी जो आप लोग पोस्ट करते रहते हो ना, हर एक सेकंड पे कोई भी नई पोस्ट आती है आप लोगों की, तो यहाँ पे सोशल मीडिया पे जो आप लोग पोस्टिंग करते हैं उसको भी फंडामेंटल राइट डिक्लेयर किया गया है. कौन से स्टेट के अंदर? त्रिपुरा के अंदर. तो ये याद रखना. नेक्स्ट पे आ जाओ, यहाँ से शुरुआत होने जा रही है वन लाइनर्स की, कोई ऑप्शन नहीं होने वाला, सिर्फ 5 सेकंड का समय लेना, फटाफट से इसको आंसर करिएगा, क्योंकि संडे का दिन है तो आपका भी टाइम जो है थोड़ा सा कम कंज्यूम होगा. पहला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा, 3 क्वेश्चन है. पहले क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे. सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आपको ये बताना है कि कौन सा ऐसा प्लेयर है, क्रिकेट प्लेयर है, जिन्होंने अभी हाल ही में अपना रिटायरमेंट डिक्लेयर किया है और उनको एक निक नेम से जाना जाता है, तेंदुलकर ऑफ डोमेस्टिक क्रिकेट. नाम तेंदुलकर ऑफ डोमेस्टिक क्रिकेट या क्रिकेटर के नाम से जाना जाता है, प्लेयर का नाम. ठीक है शिवानी, बिल्कुल करेक्ट. राइट, देखो जब त्रिपुरा आएगा ना तो ब्रू ट्राइब और रियांग दोनों नाम एक दूसरे से आपस में जुड़े हुए हैं. त्रिपुरा के साथ याद रख लेना मिजोरम, क्योंकि यहीं पे इन्हीं दोनों जगह के बीच में माइग्रेशन जो है ना वो इस ट्राइब का हो रहा है, और अभी गवर्नमेंट ने कुछ एग्रीमेंट वगैरह भी साइन किए हैं कि इनको वहां पे सेटल भी किया जाएगा. तो ब्रू ट्राइब हो या फिर रियांग, रियांग की स्पेलिंग याद रखिएगा, दैट इज REANG. ठीक है, अच्छा इसका आंसर बताओ, इसका आंसर क्या बनेगा? वसीम जाफर, बिल्कुल करेक्ट, वेरी गुड, नाइस. अगला सवाल देखो, हु अमंग द फॉलोइंग विल बी इंडक्टेड इन द वर्ल्ड गोल्फ हॉल ऑफ द फेम एज अ फर्स्ट मेंबर ऑफ द क्लास ऑफ 2021. क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि ऐसा कौन सा गोल्फ प्लेयर है जिसको गोल्फ हॉल ऑफ द फेम के अंदर शामिल किया जाएगा. गोल्फ प्लेयर हो, आपका स्नूकर हो, यहाँ पे जैसे ये टर्म्स आते हैं ना तुरंत से आपके दिमाग में कुछ पर्टिकुलर नाम ही आएंगे, या फिर हम फुटबॉल की बात करें तो जैसे कि मेसी हो गए, रोनाल्डो हो गए, नेमार हो गए, ये सारे नाम आते हैं. तो जब गोल्फ आएगा तो आंसर क्या बन जाएगा यहाँ पे? टाइगर वुड. अगर यहाँ पे मान लो कंट्री पूछ ली गई तो आंसर USA रहेगा. अगले सवाल पे आओ, कौन सा ऐसा भारत का राज्य है जहाँ पर हैप्पी आर फॉर ऑटो रिक्शा की शुरुआत करी गई है? इसका एक टाइम भी डिसाइड हुआ है, वो टाइम क्या है? 12 से लेके शाम के 4 बजे के बीच में. आंसर मैं नहीं बता रही इसका आंसर, इसका आंसर तुम ही लोग बताने वाले हो.
सेशन को शेयर भी करते जाना, अगर पसंद आए लाइक करिएगा, और जो नंबर ऑफ डिसलाइक दिख रहे हैं प्लीज टेल मी द रीजन, रीजन भी बता देना ताकि इट इज मुझे पता तो हो। टाइगर वुड आप लोगों ने आंसर कर लिया, टाइगर जिंदा है मत बोल देना क्योंकि बड़े दिनों से तुम लोग बोल रहे हो। महाराष्ट्र करेक्ट आंसर विल बी महाराष्ट्र। और ये पर्टिकुलरली किसके लिए किया गया, महिलाओं के लिए, विमेंस के लिए किया गया और जितने भी सीनियर सिटीजन हैं उनके लिए इस फैसिलिटी को प्रोवाइड किया गया। इसमें क्या होगा 15% तक के लिए जो फेयर होता है यानी कि जो किराया होता है, जो भाड़ा होता है, उसको क्या कर दिया जाएगा, कम कर दिया जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। अगला देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, कौन सा भारत का ऐसा राज्य है जहाँ पर अभी हाल ही में, ध्यान देना मैंने पूछा हुआ है रिसेंटली, अभी रिसेंटली सेलिब्रेट हुआ है कौन सा फेस्टिवल, लोसार फेस्टिवल। ऑल्दो ये लोसार फेस्टिवल लद्दाख के अंदर भी सेलिब्रेट होता है, अरुणाचल में भी आपको मिलेगा, काफ़ी सारे स्टेट्स हैं मतलब हिली एरियाज में ही सेलिब्रेट किया जाता है। अभी हाल ही में इसका आयोजन कहाँ पर किया गया, रिसेंटली इसको कहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया, आंसर बन जाएगा यहाँ पे हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। सवाल में पूछा जा रहा है कि भारत के अंदर ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ पर अभी हाल ही में आरोग्य मित्र नाम की जो स्कीम है उसकी शुरुआत करी गई है। ये क्या करेगा, प्राइमरी लेवल पर हेल्थ की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करी जाएंगी इस स्कीम के अंदर। आपको बताना है कि कौन से स्टेट में इसकी शुरुआत करी गई है, आंसर विल बी यूपी। यूपी के अंदर इसको लॉन्च किया गया है। सीएम कौन होंगे, योगी आदित्यनाथ जी। गवर्नर पूछी जाएंगी तो आनंदीबेन पटेल यहाँ पे गवर्नर राज्यपाल के रूप में नियुक्त करी गई हैं। अगला सवाल देखो, सी वी नागेश्वर, इनको भी हाल ही में एडिशनल चार्ज दिया गया है एज अ डिप्टी MD। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि कौन से बैंक का एडिशनल चार्ज दिया गया है, बैंक का नाम बताओ। गुजरात इसका आंसर नहीं होगा, दैट विल बी यूपी। लास्ट वाले क्वेश्चन का आंसर बताइए, बैंक कौन सा बनेगा, ये आंसर यहां से रहेगा SBI बैंक। SBI बैंक के बारे में कल भी हम लोगों ने काफी सारी बातें करी थी, तो इट्स इंपॉर्टेंट कि SBI बैंक के बारे में चीजें पता हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच सीनियर कांग्रेस लीडर, यार ये तो आंसर कर देना क्योंकि 16 मार्च यानी कि कल मंडे वाले दिन वहाँ पे फ्लोर टेस्ट होने वाला है। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि ऐसे कौन से कांग्रेस लीडर हैं जिन्होंने अभी हाल ही में कांग्रेस पार्टी को छोड़ के BJP को ज्वाइन किया है। ये तो मुझे पता है कि ये तुम लोग गलत नहीं करने वाले, फ्लोर टेस्ट होगा कल तो ज़रा ध्यान रखिएगा कि कुछ अगर यहाँ से इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आएंगे तो इट इज़ पता होना चाहिए। ठीक है, आंसर बताओ, ज्योतिराव सिंधिया, सिंपल सा इसका आंसर बनेगा ज्योतिराव सिंधिया। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाओ। भारत का ऐसा कौन सा राज्य है, ध्यान दीजिएगा, भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जहां पर सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए अलग से एक डिपार्टमेंट बनाया गया है जिसका नाम क्या है, डिपार्टमेंट ऑफ मिशन शक्ति। स्टेट का नाम, भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जहां पर डिपार्टमेंट ऑफ मिशन शक्ति इस्टेब्लिश किया गया। देखो हैप्पीनेस डिपार्टमेंट MP हो जाएगा, टाइम्स बैंक MP हो जाएगा, और अगर ये वाला क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आंसर क्या बनेगा, इट विल बी ओडिशा। ओके ओडिशा, CM कौन हो जाएंगे, नवीन पटनायक जी। गवर्नर कौन रहेंगे, गणेशी लाल जी। लोकसभा सीट 21 है, राज्यसभा सीट यहाँ पे 10 है। यहाँ की जो लोकसभा और राज्यसभा सीट है ना, ये बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं। इनकेस अगर पूछा गया कि कौन सा ऐसा स्टेट है जहाँ पे मैक्सिमम सीट्स हैं लोकसभा और राज्यसभा की, दैट विल बी यूपी, वो यूपी के अंदर है। अगला सवाल देखो यहाँ पे, ये थोड़ा ईजी वाला है। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि COVID-19 की वजह से चाइना के अलावा कौन सा और ऐसा देश बन गया है जहाँ पे सबसे ज़्यादा डेथ हो रही हैं, आंसर बताओ। आंसर इसका क्या रहेगा भाई, ओके ओडिशा, बशचर आइलैंड, जो आपने अभी पूछा ना कि बांग्लादेश के अंदर कौन सा आइलैंड है जो कि रोहिंग्यास के लिए बनाया जा रहा है, दैट इज बशचर आइलैंड, जो आपको बे ऑफ बंगाल में मिलेगा। यूजुअली ना वहाँ पे बहुत ज़्यादा साइक्लोन चक्रवात वगैरह आते रहते हैं, तो आई डोंट नो वाई कि गवर्नमेंट ने उसको डिसाइड किया हुआ है। वेल करेक्ट आंसर इज इटली, बिल्कुल सही आप लोगों ने आंसर किया है, आंसर क्या रहेगा, इटली विल बी दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ यहाँ पे, ये तो ईजी वाला है ना, T20 वुमेन ICC मैचेस जो हैं वो अभी ऑस्ट्रेलिया के अंदर ऑर्गेनाइज किए गए थे, कौन सा वाला एडिशन था, 7th एडिशन था, इंडिया यहाँ पे हारी है फाइनल मैच। सवाल में पूछा जा रहा है यहाँ पे कि कौन सी कंट्री है जिसने इस टूर्नामेंट को जीता है, सिंपल है, आंसर इज ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या होगी, कैनबेरा, करेंसी पूछी जाएगी तो ऑस्ट्रेलियन डॉलर रहेगी इसकी करेंसी। अगले सवाल पर चलते हैं, नेम द इंडियन स्टेट, स्टेट का नाम बताओ या फिर यूनियन टेरिटरी का नाम आपको बताना है, जहाँ पे नमस्ते ओवर हैंडशेक नाम की कैंपेन को शुरू किया गया है ताकि COVID-19 से बचा जा सके, इसका आंसर क्या बनेगा। मैंने आपको कल इमेजेस वगैरह दिखाई थी, इसराइल के PM थे, उसके अलावा अगर ध्यान आ रहा हो आपको इटली के बारे में हम लोगों ने बात करी थी, कनाडा के बारे में बात करी थी, तो ये इंडिया के कौन से स्टेट में शुरू हुआ है, स्टेट का नाम, आंसर इज कर्नाटका, कर्नाटका के अंदर इसकी शुरुआत करी गई है। और हाँ,
ये भी याद रख लेना कि कोविड-19 की वजह से इंडिया में जो सबसे पहली डेथ हुई है वो कर्नाटका में हुई है. कुछ लोग लद्दाख पता नहीं क्यों बोल रहे थे, बट इट्स कर्नाटका. नेक्स्ट देखो, यहाँ पे सवाल में पूछा जा रहा है विच कंपनी हैज लॉन्च्ड डिजी पाइवेट फॉर वुमेन. सिंपल क्वेश्चन, डिजी पाइवेट फॉर वुमेन किसके द्वारा लॉन्च किया गया. आपको यहाँ पे कंपनी का नाम बताना है. तो देखो कुछ ही होती हैं, या तो माइक्रोसॉफ्ट होगी, या फिर गूगल होगी, या अल्फाबेट होगी, है ना. अल्फाबेट भी किसका पार्ट है, गूगल का पार्ट है. तो इसका आंसर क्या बन जाएगा, आंसर विल बी गूगल. इसके अगर सीईओ पूछे जाएंगे तो सुंदर पिचाई जी रहेंगे, और अल्फाबेट के भी जो सीईओ हैं वो कौन है, सुंदर पिचाई जी. नेक्स्ट पे चलते हैं, आई थिंक बिल्कुल लास्ट है, कुछ ही सवाल और बचे हुए हैं वीक के, जल्दी से इसको भी हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं. यहाँ पे पूछा जा रहा है हेडक्वार्टर ऑफ आईसीसी, मतलब आप इसको अगर आंसर नहीं किया तुम लोगों ने, सेकेंड डेथ जो है वो दिल्ली में. अच्छा, अभी 10 बजे भी एक इवेंट लगा है, और शाम में जो आपका 5:30 बजे का टाइम स्लॉट है ना, वहाँ पे रेलवे का स्पेशल करंट अफेयर्स भी क्लास जो है वो हम लेकर आ रहे हैं, तो उसको भी ज्वाइन करना मत भूलना. गूगल 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 करेक्ट. इसका आंसर क्या बनेगा, आंसर विल बी दुबई. अच्छा, अगर यहाँ पे आईसीसी जो है ना क्रिमिनल कोर्ट के ऊपर अगर सवाल बनता है, वो कहाँ पे उसका हेडक्वार्टर है, तो दैट इज इन हेग. हेग कहाँ पर है, नीदरलैंड्स के अंदर है, और यहीं पर आईसीजे का भी हेडक्वार्टर है. ओके, इतनी चीज़ें ध्यान रखना. अगला बताओ, चेराव फोक डांस कौन से स्टेट का है. अभी देखो फेस्टिवल मैंने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था, चापचर कूट. जब चापचर कूट नाम का फेस्टिवल मनाया जाता है तभी ये जो डांस है, जो आपको लोक नृत्य देखने को मिल रहा है ना, ये डांस परफॉर्म किया जाता है. सवाल में पूछा जा रहा है कि ये जो डांस फॉर्म है ये कौन से स्टेट का है. अब तो आंसर कर लेना, दोनों चीज़ें मैंने आपस में जोड़ दी हैं. ओके, आंसर इसका क्या बन जाएगा, यहाँ पे दैट विल बी मिजोरम इज द राइट आंसर. नेक्स्ट देखो यहाँ पे, कौशल सतरंग नाम की जो स्कीम है ये कौन से राज्य के अंदर शुरू करी गई. अभी उससे जुड़ा हुआ एक सवाल था, अभी उससे जुड़ा हुआ दूसरा सवाल है, जल्दी से इसको आंसर करो. मणिपुर नहीं होगा, इट्स मिजोरम. हाँ ठीक है, मतलब खुशी देखो, यहाँ पे दुबई का नाम आते ही खुशी देखिए कितनी ज़्यादा हो जाती है. दुबई में सबसे पहला कैमल हॉस्पिटल, बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पे. और सेल्फी म्यूजियम भी तो दुबई के अंदर बनाया गया है ना, इसको कैसे भूल सकते हो, तुम लोग का तो ये फेवरेट होता है. इसका आंसर क्या रहेगा, आंसर विल बी यूपी. अच्छा नेक्स्ट, और ये आखिरी सवाल है इस पूरे वीक का, सवाल जल्दी से देख लो, इसका जल्दी से आंसर भी कर दीजिएगा. क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि अभी हाल ही में एक नई प्रजाति पाई गई है, कहाँ पर, निकारगा गोवा के अंदर मिली थी. अब ये जो स्पीशी पाई गई है इसका नाम किसके नाम पे रखा गया है, ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, जल्दी से इसका आंसर करके बताओ. ओके करेक्ट, यूपी. कौशल यूपी इतना रोती हुई शक्ल बनाने की क्या जरूरत है, ये तो युवाओं के लिए शुरू किया जा रहा है. यूपी गवर्नमेंट इज डूइंग सो मेनी थिंग्स, और इस बार का जो बजट भी है उसमें सबसे ज्यादा अमाउंट जो यहाँ पे दिया गया है वो इन्हीं के द्वारा, यूपी के द्वारा ही दिया गया. वेल, इसका आंसर क्या रहेगा, यहाँ पे लेडी गागा के नाम पे ये नाम रखा गया है. तो काफ़ी सारी स्पीशीज़ वगैरह यहाँ पे पूछ ली जाती हैं. पता है कुछ टाइम पहले एक मेढक भी मिला था, एक फ्रॉग भी मिला था नॉर्थ अमेरिका के रीजन में, उसका नाम रखा गया था डोनाल्ड ट्रंप के नाम पे, क्योंकि उसके जो हेयर का स्टाइल था ना वो बिल्कुल डोनाल्ड ट्रंप की तरीके से था. ओके वेल, इतनी सारी चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पे पूरे सेशन में रिवाइज कर ली हैं. अब देखो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सेशन अगर पसंद आया करे तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर कर दिया करिए. अभी 10 बजे आपके साथ मुलाकात होने जा रही है, और फिर शाम में 5:30 बजे आपके साथ एक बार फिर से मुलाकात होगी. और अगर आपने ये बैचेस अन अकेडमी के अवेल नहीं किए हैं तो प्लीज़ इसको अवेल कर लीजिएगा. 20,000 जो क्लासेज हैं वो मंडे से आपके स्टार्ट हो जाएंगे. आप वहाँ पर अन अकेडमी का ऐप इंस्टॉल करिएगा, स्पेशल क्लासेस की कैटेगरी पर जाइएगा, और वहाँ से आप उन क्लासेस को देख सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट. तो उम्मीद करते हैं सेशन आपको पसंद आया होगा. तो तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, एंजॉय दी संडे. बाय बाय.